आप सभी को राधे राधे। मैं रूप सिंह आपको लेकर आया हूँ सावरिया इनक्लेव, जो कि आपको वॉस्टन स्कूल के पास नियर केसी पैलेस के पास में ये गेटेड सोसाइटी मिल जाती है, जो कि 25 फुट के रोड पर टोरेंट कनेक्शन मिल जाता है, सीवर कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ पर आपको प्लॉट्स और विला अवेलेबल हो जाते हैं। तो गाइस ईस्ट फेस में आपको 118 वर्ग का सेमी डुप्लेक्स मिल जाता है, जो कि प्लॉट भी 118 गज का रहेगा। वेस्ट में 102 वर्ग का आपको सेमी डुप्लेक्स रहेगा, जो कि 102 वर्ग का प्लॉट भी रहेगा। तो गाइस आज की वीडियो हमारी रहेगी 88 गज में, आपको देखिए फुली डुप्लेक्स मिल जाता है। ग्राउंड फ्लोर पर आपको 1 बेडरूम रहेगा और फर्स्ट फ्लोर पर आपको 2 बेडरूम मिल जाएंगे। बेडरूम का साइज भी काफी अच्छा है, आप देखेंगे 10x14 का बेडरूम रहेगा गाइस। तो काफी अच्छा साइजेस में आपको ये यहाँ पर डुप्लेक्स मिल जाता है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, फिर भी कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने आपको पार्किंग मिल जाती है, काफी स्पेशियस पार्किंग है। यहाँ भी आपको देखिए काफी स्पेस मिल जाता है और यहाँ पर किचन की विंडो है, जो कि आपका काफी स्पेशियस सारी चीजें इस घर में दी हुई है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, मेरे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉबी मिल जाती है, जस्ट सामने हमें यहाँ पर आपको एक एल शेप में आपको किचन मिल जाता है, जो कि अभी कम्प्लीटेड हो रहा है गाइस। तो एक बार विजिट करेंगे तो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो गाइस क्रॉस वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने देखिए विंडो भी दी है, तो कि काफ़ी यहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा। यहाँ पर लाइट भी आ रही है यहाँ पर काफ़ी अच्छी। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक कॉमन टॉयलेट भी मिल जाता है, एक बेडरूम मिलेगा नीचे और यहाँ पर एक आपको स्टोर रूम भी मिलेगा। तो गाइस मेरे साथ पूरा वीडियो देखिए, देख सकते हैं स्टेयर्स इसमें अंदर से रहेगी, जैसे कि डुप्लेक्स में रहती है, विला में रहती है। तो यहाँ पर एक आपको कॉमन टॉयलेट मिल जाता है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको टॉयलेट अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बेडरूम मिल जाता है। बेडरूम का साइज़ आपका 14x10 का रहेगा, काफ़ी ये मतलब बड़ा साइज दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पर एक बार आएंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखकर समझ में आएंगी। और देखिए फॉल सीलिंग वगैरह सारी कंप्लीटेड हो चुकी है। यहाँ पर आपको किचन फुली मॉडलर दिया जाएगा, चिमनी भी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर विंडो लगी हुई है और यहाँ पर आपको वॉशिंग एरिया मिल जाता है। वॉशिंग एरिया के सामने ही आपको यहाँ पर एक स्टोर रूम भी अवेलेबल हो जाता है। तो गाइस मैं दिखा देता हूँ, सामने देखिए आपको स्टोर रूम मिल जाता है और ये वॉशिंग एरिया। ऊपर देखिए क्रॉस वेंटिलेशन और जाल जो कि लगा हुआ है, लाइट आ रही है यहाँ से काफ़ी अच्छी। तो देख सकते हैं ये है आपका स्टोर रूम। तो गाइस ये है हमारा प्लान, ग्राउंड फ्लोर का आपने देख लिया होगा। यहाँ पर आपको वॉशिंग एरिया वगैरह सारी चीज़ें, किचन फुली मॉडलर जैसे कि मैंने दिखा दिया आपको मिलेगी और सारी चीज़ अभी कंप्लीटेड हो रही है। कुछ टाइम में ये पूरा रेडी टू कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए स्टेयर से हम ऊपर जाते हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं। देखते हैं किस तरीके से बनाए। यहाँ पर देखिए लॉबी मिल जाती है आपको काफ़ी अच्छी और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा इन्होंने स्टेयर्स लगा के बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, एक बार विजिट करेंगे तो चीज़ें अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगी। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर, जो कि आपका साइज मैंने बेडरूम का ऑलरेडी आपको बता रखा है, जो कि आपका 14x10 का साइज का बेडरूम रहेगा। यहाँ पर आपको टॉयलेट अटैच मिलेगा इसमें गाइस, और वॉशिंग एरिया भी इसमें अटैच ही है। और देख सकते स्टेयर्स यहाँ से आपको दी हुई है पीछे से जाने के लिए। तो यहाँ पर आपको ड्रेसिंग पार्ट पहले दिया हुआ है, देखिए ये आपका ड्रेसिंग पार्ट रहेगा और अंदर आपका टॉयलेट रहेगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए काफ़ी अच्छा और यहाँ भी आपका काफ़ी स्पेसियस दिया हुआ है। और पीछे भी आपको ले चलता हूँ, जो कि आपका स्टेयर्स दिया है और यहाँ पर जाल देख सकते हैं और यहाँ पर प्रॉपर लाइट आ रही है। ऊपर देखिए खुला हुआ है तो काफ़ी अच्छी लाइट भी आ रही है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी कपड़े वगैरह सुखाने के लिए भी इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सनराइज़ वगैरह सारी आप देख सकते हैं, लाइट वगैरह प्रॉपर आ रही है। और देखिए आपको मैं बालकनी वाला रूम भी दिखा देता हूँ। चलिए हम फाइनली अब वहीं चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं बालकनी वाले रूम में। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर लाइट आ रही है और साइजेस की बात करें तो लगभग आपको 15.5x10 का बेडरूम मिल जाता है। काफ़ी अच्छा स्पेसियस बेडरूम आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जो कि बालकनी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मतलब इसमें देखेंगे। अब मैं आपको बालकनी भी दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में।
तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं बालकनी में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और हाउसेस के कंपैरिजन में यहाँ पर बालकनी काफ़ी स्पेसियस दी हुई है। और आप देख सकते हैं आपको ईस्ट फेस में ये हाउस अवेलेबल हो जाता है। सामने में ये देख सकते हैं कि 25 फिट का रोड है, काफ़ी अच्छा टोरेंट कनेक्शन है, सीवर कनेक्टिविटी मिल जाती है, गेटेड सिंगल गेटेड कॉलोनी है गाइस। तो प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए, मैंने आपको पूरा हाउसेस दिखा दिया। मैं आपको फाइनली टेरेस पे ले चलता हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट हाउस की यही खासियत होती है कि आपको ज़मीन से लेके ऊपर तक का मकान आपका अपना होता है। तो गाइस ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सभी में नहीं मिलती, जो कि फ्लैट्स में आप इसका आनंद नहीं ले सकते हैं। तो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं टेरेस पे, देख सकते हैं यहाँ पर जो कि आपका लगभग 88 गज में आपको ये हाउस 3 BHK मैंने फुली डुप्लेक्स दिखाया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी छत भी दी हुई है, काफ़ी स्पेसियस है। अगर डायमेंशन की बात की जाए तो आपको 16x51 मतलब 51 की इसकी डेप्थ है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेसियस है। कॉलोनी भी मैंने पूरा आपको लेआउट स्टार्टिंग से ही दिखाया था, इसकी काफ़ी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, और आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप नंबर जो है कि कॉलिंग नंबर भी है, दोनों है, आप मुझे कॉल करके मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए 25 फुट का रोड है यहाँ पर, आप 102 वर्ग गज के हाउसेज आपको मेरे राइट में देख रहे हैं, वेस्ट में आपको देख सकते हैं जो कि लेफ्ट में मेरे 118 वर्ग गज के जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है साइज वो हाउसेज। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पूरा मैंने आपको कॉलोनी का लेआउट वगैरह चारों तरफ से 360 डिग्री में घुमा कर मैंने आपको दिखा दिया है। और गाइस यहाँ पर अगर आस्किंग की बात की जाए तो लगभग आपको ये 49.5 लाख में ये हाउसेस मिल जाते हैं। तो गाइस अगर इस हाउस से बड़ा हाउस भी चाहते हैं तो आपको लगभग 102 गज का भी यहाँ पर आपको सेमी डुप्लेक्स मिल जाता है, 118 गज का भी आपको इस फेजिंग में सेमी डुप्लेक्स मिल जाता है। तो गाइस इन सभी की प्राइस वगैरह जानने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा सावरी एनक्लेव की अगर मैं बात करूँ तो लोकेशन है आपका बॉस्टन पब्लिक स्कूल नियरेस्ट केसी पैलेस के बगल से। अगर ब्रेस द्वारका भी अगर देखी हो तो उसी वाले रोड पर आपको ये कॉलोनी आपको गेटेड सोसाइटी मिल जाती है, जो कि आपको प्लॉट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि साइजेस रहेगा लगभग 118 ईस्ट फेजिंग में और वेस्ट में आपको 102 वर्ग गज का। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्टेक्ट नंबर शो हो रहा है। तो गाइस सकते हैं, तो गाइस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक बार विजिट करेंगे तो अच्छी तरीके से चीजें समझ मिलते हैं इसी तरीके के धमाकेदार एपिसोड में। थैंक यू गाइस।